नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज। दोस्तों, इस समय करनाल की रामलीला मैदान में खड़े हैं, लेकिन आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि यहां पर कचरे का ढेर लगा हुआ है। लेकिन जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, आपको बता दें, इसी जगह पर रामलीला जो है वो हुआ करती थी। साथ में कई बार जो है, आपको बता दें, पिछले दिनों में हरियाणवी संगीत भी जो है उसके कार्यक्रम भी चलते हैं और इसी जगह पर कुश्ती भी जो है लड़ी जाती है। और इसी जगह के ऊपर अब आप देख पा रहे हैं प्रशासन के द्वारा, जो कि पीछे की तरफ मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं कि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि पीछे की तरफ जो कि जितने भी ये आप देख पा रहे हैं, ये JCB और बकायदा यहां पर आप देख पा रहे हैं जो ट्रैक्टर है, ये पूरा का पूरा जो कचरा है ये फिलहाल ढोने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, इसे डंपिंग हाउस जो है वो फिलहाल बना दिया गया है, जो कि आप देख पा रहे हैं, इसे डंपिंग हाउस जो है वो बना दिया गया है। और बता दें कि पिछले समय के अंदर कई बार लोगों ने इसकी शिकायत भी की है। इसके अलावा हम कई बार इस जगह पर आकर कवरेज कर चुके हैं, लेकिन लगातार आप हाल देख लीजिए। और आपको बता दें, यहां से आवाजाही का रास्ता भी है। अगर मैं आपको दिखा दूं, ये सामने का रास्ता जहां से लोग बस स्टैंड की तरफ जाते हैं, और इधर से आपको बता दूं जो कि रेलवे रोड से आने का रास्ता भी है, और जहां पर आप कुछ गाड़ियां भी खड़ी देख सकते हैं, जहां पर जिस जगह को पार्किंग के लिए भी बकायदा इस्तेमाल करने के लिए प्रशासन ने कहा था, उस जगह पर क्या कुछ हो रहा है ये आप देख लीजिए। और गंदगी का अंबार इस तरीके से कि यहाँ पर खड़े होना भी जो है वो मुश्किल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पहुँचे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस काफ़ी समय से, लेकिन कोई भी हल जो है वो होता नज़र नहीं आ रहा है। बता दें, DC साहब भी कुछ दिन पहले आए थे यहाँ पे और बकायदा देख कर गए थे यहाँ का हाल। लेकिन फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे कचरे की शुरुआत की गई थी और आज पूरा डंपिंग हाउस बना दिया गया है इसे कचरे का। तो बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ दुकानदार हैं यहीं आसपास के जिनकी यहाँ दुकानें भी हैं सामने की तरफ और पीछे की तरफ भी, उनसे बात करते हैं। हाँ जी सर, क्या नाम है, क्या कुछ कहना? नमस्कार उपल साहब। उपल साहब, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये डंपिंग हाउस इन्होंने इल्लीगल बनाया हुआ है। यहाँ कुछ है नहीं ऐसा डंपिंग जैसा, इन्होंने 2 साल से यहाँ पर इल्लीगल है। पता नहीं यहाँ से स्क्रैप, ये कचरा, ये कहाँ सप्लाई करते हैं, क्या रीज़न है, क्योंकि ऑन द रोल जोन से जंक फेंकना चाहिए इनको, वहाँ शायद रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता होगा। यहाँ रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना, ये शायद कहीं ना कहीं 2 नंबर का काम यहाँ चल रहा है। नंबर 2, रामलीला ग्राउंड की तो पहचान करनाल है जी, करनाल से ही रामलीला ग्राउंड की पहचान है जी। यहाँ पर रामलीला होती थी हर साल, यहाँ से हमारा कल्चर मेंटेन हुआ है, हर साल रामलीला होनी, दंगल होने, यहाँ पीछे दंगल है, यहाँ पैरवान कसरत करने आया करते होता थे, यही होते थे यहाँ साल में, वो भी होते थे बड़े फंक्शन जो इनके होते हैं। लेकिन अब तो यहाँ कोई आता नहीं जाता नहीं, बुरा हाल। और सबसे बड़ी बात, पीछे 4 दुकानदार हैं जी, इनके घरों में रोटी के लाले तक पड़ चुके हुए हैं। काम पीछे भी दुकानें हैं, पीछे भी दुकानें, रनिंग दुकानें 25-25 साल से हैं, ये दुकानें हैं, इधर दुकानें हैं। अब कस्टमर ना आने की वजह से उनके घर के हालात बहुत बुरे हुए पड़े हैं, कोई इनकम सोर्स नहीं रहा, यहाँ से बिल्कुल ब्लॉकेज कर दिया है, कचरे में कोई आना नहीं चाहता, बिजनेस ठप, बिल्कुल ठप बंद हो चुके हुए हैं। हालात इतने क्रिटिकल हैं कि आप देखो क्या बुरा हाल इन्होंने मचा रखा है। और स्मार्ट सिटी खट्टर साहब को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, स्मार्ट सिटी, ये स्मार्ट सिटी है, सेंटर ऑफ द हिट, ये करनाल का दिल है शहर रामलीला ग्राउंड, और दिल के अंदर ये स्मार्टनेस, ऐसी स्मार्टनेस के लिए हमने BJP को चुना था क्या जी? जी जी। और इन्होंने इतने सारे अलॉटमेंट दिए, स्मार्ट सिटी, ये वो, आप खुद देखिए एक बार, यहाँ खड़ा होना मुश्किल हुआ पड़ा। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा कचरा यहाँ पर आप देख रहे हैं। और बता दें कि सिटी के अंदर इस तरीके से डंप हाउस बनाना, कचरे को फेंकने का ये इलाका बना देना, ये भी गलत है, क्योंकि आपको बता दें ये आसपास का एरिया जहां पर सारी दुकानें हैं और यहीं पर गंदगी के अंबार के अंदर मच्छर, मक्खियां और हर तरह का कीड़ा, हर तरह की बीमारियां जो है वो यहां पर आपको मिलेंगे। और आपको बता दें कि पिछले दिनों कोरोना के समय के अंदर भी हर तरह के टेस्ट होने के बाद जो किटें थी, चाहे ग्लव्स थे, वो सभी के सभी गंदगी यहाँ पर फेंकी जाती थी। और यहाँ से हमने पहले भी कवरेज की है, लेकिन आप अभी भी देख लीजिए, नगर निगम की गाड़ी जो है वो यहाँ पर खड़ी हुई है, बकायदा जो JCB है वो आप देख रहे हैं, कचरा जो है फिलहाल इस ट्रैक्टर के अंदर ढोने का काम कर रही है। अब ना जाने उस कचरे को कहाँ पर फेंक कर आया जाएगा। और अभी कुछ और लोग भी हैं, कुछ और दुकानदार भी हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहेंगे अंकल, यहाँ पर आपकी शॉप है, क्या नाम है आपका? वैसे अमरजीत सिंह मेरा नाम है जी। यहाँ कितने फंक्शन होते थे, आजकल ये सिर्फ यहाँ डंपिंग हाउस है। और दूसरी बात, इतनी बदबू और दूसरी बरसात इतनी आई हुई है, यहाँ पानी की निकासी यहाँ नहीं है, पानी खड़ा हो जाता है और मच्छर, गंदगी,
इसमें हमारा जीना दूरभर हो चुका है। सुसाइड केस बने हुए हैं लोगों के लिए, ये जो दुकानदार हैं पीछे ये आपके आगे क्लियर होके आके बात नहीं कर रहे, सुसाइड केस बने हुए हैं, एनपी हो चुके हैं बैंकों से, घर का खर्चा जिनका नहीं निकल रहा, वो किस्तें कहाँ से देंगे, सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, कोई आता नहीं है इस जगह कोई काम करवाने, गाड़ियाँ गुड़िया ठीक, क्या खड़ा हूँ देखो आपके सामने कैसे खड़ा हूँ मैं, वो छोड़ देना चाहते हैं जगह को, सेल आउट करके भी जाए तो कैसे जाए, कोई बायर नहीं मिल रहा, मतलब की रियलिटी बताता हूँ, सुसाइड केस बने हुए लोगों के लिए, ये आप सच मानिएगा कि दर्द आपके आगे तो पूरी तरह बयान नहीं कर पा रहा, लेकिन ये लोग आपकी भी शॉप है यहाँ पे, बिल्कुल मेरी बंद ही हो गई है सर एक साल, किस चीज की शॉप है, टायर का प्लांट है मेरा यहाँ पर, तो इस यहाँ पर काम लेबर नहीं आ सकती, कस्टमर नहीं आ सकते, तो मजबूरी में बंद करना पड़ा हुआ, बंद पड़ी है, डेड होगी वो आइटम, 25 साल से अच्छा भला काम चल रहा था, इनकी वजह से ब्लॉक बिल्कुल ताले लगे हुए हैं। तो आपको कुछ दिन पहले बता रहे डीसी साहब भी आए थे यहाँ पहुँचे, बिल्कुल आए थे, कई बार दिलासा देते हैं कल से बंद हो जाएगा, परसों से बंद हो जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पर कचरा फेंका जा रहा है, ये देख लीजिए, अब जो भी आप देख पा रहे हैं ये सारी गंदगी और सारा कचरे का ढेर जो है वो देख लीजिए, यहाँ पर ऐसे लगाया जाता है, और अभी फ़िलहाल यहाँ पर इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि कुछ मलबा जो है वो अभी फ़िलहाल इसके अंदर फेंका जा रहा है, और ये आपके सामने आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर करनाल स्मार्ट सिटी का टैग जो उस गाड़ी के ऊपर लगा हुआ है, और स्मार्ट सिटी रामलीला मैदान के अंदर जो है वो कचरा फेंक रही है, यानी कोई और जगह जो है वो फिलहाल नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो आप देख पा रहे हैं, जूम करके दिखा दें, करनाल स्मार्ट सिटी का ही गाड़ी है ये, स्मार्ट सिटी की ही गाड़ी है जो कि आगे इस पर लिखा हुआ है, ये देख लीजिए, और यहाँ पर ये ज़रूर है कि जिस तरीके से ये कचरा फेंका जा रहा है आपके सामने ही तस्वीरों में हमने दिखा दिया। सर क्या कुछ कहेंगे डीसी साहब से, क्या कहना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे डीसी साहब से, प्रशासन से, खट्टर साहब से रिक्वेस्ट है, माफ़ कर दो, एक बार माफ़ कर दो, जो आपको वोट दे बैठे हैं गलती की सजा इतनी बड़ी ना दो कि लोगों की लाइफ पे बात आई हुई है, रियली हम तो दिल से दुखी हैं, हमने गलती कर दी, बीजेपी को हमने खुद सपोर्ट किया और हमें नहीं मालूम था कि ये हाल कर देंगे, स्मार्ट शहर के अंदर स्मार्ट सिटी दिल है ये ग्राउंड, यहाँ यहाँ बच्चे आसपास आप खुद सोचो खेलने के लिए बच्चे यहीं आते थे, आसपास कोई ग्राउंड है क्या? हमने देखा है कई बार जो रामलीला का कोई भी कार्यक्रम होता है सामने हॉल में होता है, इसी वजह से कितने को गैदरिंग हो जाएगी इसके अंदर, 100 बंदे 200 बंदे, वैसे भी स्मेल देख के अगर हम लगातार पिछले 2 साल से ऐसे ही चल रहा है सर, करेंगे भी तो क्या पब्लिक आएगी यहाँ, उनको तो ये याद रहेगा ये कचरा है, कोई आएगा ही नहीं, आप कुछ भी कर लो आज पब्लिक आएगी नहीं, आप कुछ भी कर लो पब्लिक नहीं आएगी, गैदरिंग नहीं होगी। जी 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 अंकल क्या कहेंगे, आपने आप भी यहाँ पर काफी टाइम से आपकी दुकान है और पहले कुछ और था और अब कुछ और है, हम तो यहाँ 50 साल से हैं, हमने तो ये ऐसा हालात तो कभी नहीं देखे थे जैसे ये अब बने हुए हैं, सुबह जब हम यहाँ दुकान पे आते हैं इससे बहुत ज्यादा यहाँ पे कचरे का ढेर पड़ा होता है, और आज तो ये पता नहीं किस वजह से कुछ थोड़ा बहुत कम है, नहीं तो सारा पूरा ग्राउंड ही यहाँ से भरा पड़ा होता है, आगे तक भरा होता है, यहाँ से तक भरा होता है, ये आप देख लीजिए, ये जहाँ तक आपको पानी दिख रहा है ये यहीं तक इस तरीके से गंदगी पड़ी हुई है, और ये गंदगी ऐसे ही चल के नहीं आती है बल्कि आगे तक ढेर लगा होता है, और आप देख लीजिए यहाँ पर कुछ गाड़ियों की रिपेयरिंग भी होती है, पीछे कुछ शॉप्स हैं बकायदा, कुछ लोगों ने स्टॉक यार्ड बना के रखे हुए हैं अपनी दुकानों के जो कि रेलवे रोड पर है, और उसके अलावा बकायदा। जी सर 35 सालों से सर यहाँ रनिंग काउंटर से 35 सालों की गुडविल उनकी खत्म हो चुकी हुई है, बिल्कुल लास्ट में हैंग फुट टिल डेथ वाली बात बन गई है, बिल्कुल जीरो काउंटर हो गए, और वैसे भी शहर के बीच में तो नहीं होना चाहिए अगर इस तरीके से, क्योंकि ये रेलवे रोड से टच होता है और आने जाने का रास्ता है, ये ऑन रिकॉर्ड है भी नहीं है, इनका मेरठ रोड पे उधर साइड कहीं है, ये तो इलीगल है, ये इनका 2 नंबर के, इनको पता है क्या गेम खेल रहे हैं, ये रात को ट्रक वगैरह ये कचरा भी शायद कहीं जाता है खाद वगैरह बनाने के लिए, ऑन ऑफ रोल कहीं ना कहीं सप्लाई कर देते हैं। जी 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 ये ऑन रिकॉर्ड नहीं है, ये सब कुछ 2 नंबर में है। तो यहाँ पर देख लीजिए वो सामने एक और जा रहा है स्मार्ट सिटी की, एक और जो कि छोटा हाथी आप देख पा रहे हैं स्मार्ट सिटी का, और जिसे अब यहाँ पर कचरा फेंकने के लिए यहाँ पर लाया गया है और वो भी यहाँ पर कचरा फेंकेगा, तो यहाँ पर आपसे अपील करना चाहेंगे जो खट्टर साहब है उनसे भी यही कहना चाहेंगे, अगर उनकी नज़र में नहीं है, हालांकि नज़र में उनकी सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी कहना चाहेंगे उनकी नज़र में नहीं है तो उन्हें दिखा रहे हैं क्योंकि वो खबर ज़रूर देखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर है कि यहाँ पर जो अधिकारी नगर निगम के वो पहले ही अगर इसको साफ़ सफाई करके यहाँ से वापस जो है इसे एक स्वच्छ जो है एक मैदान बना दे ताकि यहाँ पर कुछ लोग पार्किंग भी कर सके, क्योंकि पार्किंग के लिए भी पहले बोला गया था, देख लीजिए कुछ गाड़ियाँ यहाँ खड़ी है, यहाँ पहले पार्किंग के बारे में कहा गया था कि जिन लोगों को पार्किंग नहीं मिलती है रेलवे रोड के लोगों को वो गलत पार्किंग के बजाय यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दे, लेकिन अगर आप बताइए क्या इस गंदगी में कोई गाड़ी खड़ी करेगा? खट्टर साहब का ऑफिस ही था जी, इलेक्शनों में इसी ऑफिस में बैठ के जीते हैं वो, जी जी यहीं पे ही था, फिर उसी टाइम क्यों नहीं था ये कचरा, उनको मालूम है कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, पता नहीं देख के चले गए कि इसी को जगह का नाश फेर रहा है, मैंने जहाँ से बने हैं वो, ये ऑफिस था रेड कलर का उनका, ये बीजेपी का ऑफिस था, ये कार्यालय था उनका, और देखो क्या हालात बना दिए। जी जी जी
तो यार देख लीजिए कि खट्टर साहब फनैल की गोलियां दे दो सब दुकानदार को, यहाँ के जीना तो मुश्किल हुआ ही पड़ा है, वैसे ही कोई गोलियां दे के खत्म करो सारा कुछ। तो यहाँ पर देख लीजिए एक और स्मार्ट सिटी करनाल की एक और गाड़ी जो है फिलहाल यहाँ आ गई है, हम न जाने आगे जाएगी या इधर ही आएगी, और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से गंदगी जो है यहाँ पर मचाकर रखी हुई है, और ये सारी गलती प्रशासन की है, लोगों की नहीं है, क्योंकि प्रशासन ही जब कोई कहना नहीं मानता तो फिर लोग क्यों मानेंगे, लोग आकर खुद यहाँ पर कचरा फेंक के जाएंगे, क्योंकि जब प्रशासन खुद फेंकेगा तो फिर किसी और को मना करने का क्या मतलब है। तो यहाँ पर साफ तौर पर बात यही है कि अगर सही तरीके से शहर को चलाना है जैसे स्मार्ट सिटी बोला गया है, तो स्मार्ट सिटी में सबसे पहले स्वच्छता अभियान आता है, और स्वच्छता अभियान आप देख लीजिए सुबह से शाम जो है जिसके बारे में गाना लगाया जाता है इस गाड़ी के ऊपर, इस हर गाड़ी के ऊपर एक स्पीकर लगा होता है और सुबह जो है देश को स्वच्छ बनाना है ये गाना चलता है, लेकिन आप देख लीजिए शहर का ही क्या हाल है, देश की बात तो बहुत दूर की है। तो आपसे अपील है इस वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें, और यही कहना चाहेंगे प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी अगर इस जगह को साफ कर लिया जाए और डंप हाउस जो प्रॉपर है उसे जो है अगर वहाँ पर कचरा फेंका जाए तो कम से कम स्मार्ट सिटी का कुछ जो काम है वो तो फिलहाल मान लिया जाएगा कि कम से कम करनाल को स्वच्छ बनाने का कोई काम तो हो रहा है। और आपको बता दें और भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर वॉशरूम के लिए जो उन्होंने जो लोगों के लिए जो उन्होंने शौचालय बनाए हुए हैं उनका भी क्या हाल है ये भी सबको पता है, हर जगह पर गंदगी ही गंदगी है। तो आपसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें, फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जाएँ। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।